नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आजमगढ़ महिला अस्पताल में डॉक्टर और सफाई स्टाफ की लापरवाही की वजह से मरीज की गई जान। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के थाना कोतवाली के अंतर्गत राहुल संस्कृत्यान महिला अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही की घटना सामने आई है। बता दें कि कल बीते 27/11/2020 दिन शुक्रवार को स्टाफ नर्स के बिना मौजूदगी व बाथरूम में मरीज का पैर फिसलने की वजह से ऑपरेशन हुई। महिला के सर में चोट लग जाने से मरीज की जान चली गई। अस्पताल में हड़कंप मच जाने से कोतवाली थाना पुलिस ने शव की रिपोर्ट लिखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले को तूल पकड़ते हुए अस्पताल में नर्स और डॉक्टर फरार हो गए हैं और अस्पताल में उपस्थित लोगों का कहना है कि आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, तब भी शौचालय में पानी का लगातार गिरना और गंदगी साफ नहीं किया जाता है और नर्स स्टाफ रूम रात में बंद रहता है, इसी वजह से घटना हुई है। अगर मामले की जाँच नहीं कराई गई तो धरना के लिए हम सभी बाध्य होंगे। प्राइम न्यूज 24 से आजमगढ़ से अजीत प्रजापति की रिपोर्ट। सर, मैटर क्या हुआ है? यहाँ पर सर हम लोगों ने 21 तारीख को इनको एडमिट किया था जी। और 22 को जो है सर मॉर्निंग में जो इनको डिलीवरी हुई थी, बच्चा एक हुआ था, छोटा बच्चा ऑपरेशन होते वक्त, उसके बाद इन लोगों ने बिल्कुल अभी तक सही थी। अभी आज 27 तारीख है, आज तक बिल्कुल सही थी और शाम को जो है वो बाथरूम में गई है, उसके बाद इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। और इन लोगों का सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर लापरवाही हुई थी और गिरने के बाद भी इन लोगों ने उठाने की कोशिश नहीं किया और नर्स रूम डॉक्टर रूम सारा बंद था, यहाँ पे ताला बंद और देखने तक नहीं आया। और जब मैं आया यहाँ पे और मैंने इनसे बोला कि आप मुझे अपना रिपोर्ट दीजिए, तो इन लोगों ने बोला कि रिपोर्ट अभी नहीं मिलेगी, हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा इन लोगों ने किया। हाँ सर, इसमें इसमें डॉक्टर की लापरवाही पूरी, बिल्कुल डॉक्टर नर्स की लापरवाही है। और अभी 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 मैंने कोतवाल साहब के पास गया था तो कोतवाल साहब ने मेरा बहुत सहयोग किया और वहाँ से 2 सिपाही हम लोगों को भेजे और अभी हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं ताकि रिपोर्ट हमको मिले क्या हुआ था।